अल हयात इस्लामिक एजुकेशन सेंटर, बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए आज ही फेसबुक पर फॉलो करें। अब हम सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं और अल हयात इस्लामिक एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनकी फहरिस्त में एक नाम और है जो आएंगे और उर्दू में ये बताएंगे कि 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है और ये जो तारीख है इसका क्या महत्व है, क्या इसका मकाम है। मोहम्मद साहब आएँ और अपनी उर्दू में जो तकरीर है वो पेश करें। मोहम्मद साहब बिन मोहम्मद राशिद आएँ और तकरीर पेश करें। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में दो दिन यादगारी हैसियत और कौमी अहमियत रखते हैं, एक 15 अगस्त का और दूसरा 26 जनवरी का। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 26 जनवरी को हिंदुस्तान जमहूरियत बना। आज हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह है। 15 अगस्त 1947 को सरजमीन हिंद पर वही सूरज तुलू हुआ था जो कि आज तुलू हुआ है, लेकिन उस वक्त सूरज की किरणें एक नए सुबह का पैगाम लाई थी। यह सुबह वही सुबह थी जिसके जहूर से गुलामी की रात का अंधेरा खत्म हुआ जो 150 बरस तवील मुद्दत पर मुहित था। इसी रात तहजीब के खुद साख्ता गोरे ठेकेदारों को हमने खून फूल से मासूम शहजादों का खून पीते देखा। इसी रात बेटों के सर काट कर तश्त में सजा कर बाप के सामने पेश किए गए। इसी भयानक रात को मजदूरों और माहिर उस्ताद कारीगरों के हाथ कलम हुए। इसी भयानक रात को किसानों की जमीनें छीन कर उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। मोहतरम हजरात, उस भयानक रात की जद सुबह हो उसके लिए हमने कौन से जतन नहीं किए, साजिशें और बगावतें की, आजाद हुकूमतों से तश्कील की, मजा हमने तहरीक चलाई, जानो मान की कुर्बानी दी, वो सब किया जो हुसूल आजादी के लिए नागुजर होता है। लेकिन जब उस भयानक रात की सुबह हुई तो जिस खून ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को शबक की सुर्खी से हम ऐना कर दिया था उसकी लाली रुखसत हो चुकी थी। वतन का इत्तेहाद पारा पारा था, अमन सुकून गारक हो चुका था, गुलशन ताराज था और फूल की पत्तियां पंखुड़ियां दिख रही थी और बुलबुले कहीं दिखाई नहीं देती थी। मोहतरम हजरात, ये बात इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं कि अगर जंगे आजादी के फायदों से लोग महरूम रहे तो उनका दिली इत्मीनान और कल्बी सुकून जाता रहता है और दौरे गुलामी को याद करके आहें भरने लगते हैं। उस दौर के इत्मीनान और फरागत और खुशहाली का तसव्वुर उनको तड़पा देता है और वो आजादी के बाद के इंतजाम और अज़्तराब को उससे हजार दर्जा बेहतर समझने लगते हैं। मोहतरम हजरात, ऐसे लोग वो होते हैं जिनको आजादी से कोई वाबस्तगी नहीं होती, जिनके सामने हुसूल आजादी का कोई मकसद नहीं होता। वो खुद तो हाथ हिलाना नहीं चाहते लेकिन चाहते हैं कि सब कुछ हुकूमत कर दे, और जब उनकी बेअमली के नतीजे उनके सामने आते हैं तो हुकूमत और जमाने को हदफ तनकीद बनाते हैं। तरीका यह है कि आजादी खुद कोई मकसद नहीं होती। आजादी का मतलब, आजादी का माना वादे कानून और पाबंदियों से आजादी नहीं। आजादी का मतलब ये नहीं कि हर जाब्ता और कानून खत्म हो जाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जो चाहे करे, ऐसी आजादी नहीं मजाक है। अगरचे अशोक अकबर की शाहजहां की सरजमीन में अफसोसनाक मजाहिरे देखने में आ रहे हैं और आजादी जादू की छड़ी भी नहीं है कि पलक झपकते ही हाथों पर सरसू जम जाए और आम की गुठली सरसब्ज पौधे में तब्दील हो जाए। मोहतरम हजरात, आज 15 अगस्त को हमने अपनी कामयाबियों और नाकामियों का जायजा लिया है और 15 अगस्त हमें जश्न शादमानी की भी दावत देता है। आज 15 अगस्त को हमने कामयाबी भी हासिल की थी।
और आए हम भी उस कामयाबी में जश्न शरीक हो। खुदा हाफिज। अल हयात इस्लामिक एजुकेशन सेंटर, बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए आज ही फेसबुक पर फॉलो करें।